आप देख रहे हैं एशियन न्यूज हब का लाइव ब्रॉडकास्ट और इस वक्त हम विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल रैनावारी श्रीनगर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अबया पहनी जो गर्ल स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर बाहर है। बाहर इनके रहने का मकसद क्या है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि इन्होंने इल्जाम लगाया है कि इनकी प्रिंसिपल इनको अबया पहने अंदर स्कूल के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब वहीं आपको कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे। 2022 में कंट्रोवर्सी छिड़ी थी जिसमें ऐसे ही जो गर्ल स्टूडेंट्स है हिजाब पहने उनको स्कूल में अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया था। सेम आज इनका यही इल्जाम है और इसीलिए ये सब बाहर खड़े। न सिर्फ ये, इनके साथ जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है वो भी इनके शाना बशाना यहाँ मौजूद है। इन्हीं गर्ल स्टूडेंट से जानेंगे आखिर इनको जो स्कूल के अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। आप अपना नाम बताइएगा और किस क्लास में पढ़ती है वो बताइएगा। जी, मैं फरहाना मंजूर, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल में। हमें कल बोला गया कि अगर आप लोगों को अबाया लगाना था तो स्कूल नहीं आना चाहिए था, आप लोगों को दरसगाह जाना था, आपको अबाया में एलो नहीं करेंगे। आप लोग अगर आप बोल रहे हो कि आप हर जगह अबाया लगाते हो तो आप एक काम करो, स्कूल आ जाओ, अबाया निकालो, दिन भर अबाया के बगैर घूमो। वहाँ पर दिन भर इतनी बेहयाई होती है, लड़की खुद को सेफ फील कर ही नहीं पाती है, लड़की एक कदम भी अकेले नहीं चल पाती है कॉलेज साइड से क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेहयाई होती है। तो हम कैसे अबाया के बगैर वहाँ से घूमें? वो ना जान लें कि आप लोगों ने अबाया को फैशन बनाया है। तो हम लोग किस हिसाब से अबाया को फैशन बना रहे कि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को कवर कर रहे हैं, इसलिए फैशन बनाया है। हम लड़कों से बचना चाहते हैं इसलिए फैशन बनाया है। किस हिसाब से हमने फैशन बनाया है इसको? हमें बोला जाता है कि अगर आप लोगों को अबाया लगाना था स्कूल क्यों आना था? हम आप लोगों को अबाया में देखते हैं, हमें बुरा लगता है आपको अबाया में देखने के लिए। ये एक मुसलमान औरत एक मुसलमान लड़की से कह रही है कि जब मैं आप लोगों को अबाया में देखती हूँ मुझे बुरा लगता है। तो मैं बोलती हूँ किस मुसलमान औरत को बुरा लगेगा एक मुसलमान लड़की को अबाया में देखे? बोल रहे हैं कि अबाया नहीं लगाओ, मत लगाओ अबाया, अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ। जो स्कूल में बेहयाई होती है वो क्यों नहीं, हम अबाया एलो क्यों नहीं कर सकते? जब लोगों ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी को बॉयज बनाया है, वहाँ पे बॉयज आ रहे हैं, तो एक लड़की को अबाया एलो क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, जब आप स्कूल आए आपसे क्या कहा गया? हमें कहा गया कि अबाया निकालो, अबाया हमें अलाउ नहीं करेंगे। हमने कहा मैम हम हर जगह अबाया लगाते हैं, हम अबाया के बगैर कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, अबाया हमारा पर्दा है, हम अबाया नहीं छोड़ सकते। मैम ने बोला ये मुझे क्या आप लोगों के कंफर्ट जोन को करना है, वो आप लोग खुद देखो, लेकिन मैं अबाया अलाउ नहीं करने वाली, आपको फिर दरसगाह जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आए? सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन आप सबके लिए, सबसे बड़ा सवाल, आपकी जो प्रिंसिपल है वो मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम? मुस्लिम है, वही तो मुझे गर्व, मैं सोच रही हूँ कि क्या वो सच में मुस्लिम है? वो मुस्लिम है, रिसेंटली उन्होंने उमरा किया है और वो बोल रही है कि अबाया के बगैर आ जाओ। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर यही है कि वो भी एक मुस्लिम ही है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो आपसे कब से ये कह रहे हैं कि आप अपना अबाया निकालिए और यहाँ पर बिना अबाया के यूनिफॉर्म में आप आइए? हम लगभग 8th से आते थे अबाया लगा के, हमें किसी ने कुछ नहीं बोला। परसों रिसेंटली इसी साल से इन लोगों ने को एजुकेशन भी की, इसी साल से आप बोल रहे अबाया भी निकालो। ये चाहते क्या है हमसे? आप हमें पूरा खराब कर देना चाहते, चाहते क्या है हमसे? एक तो को एजुकेशन भी की, यहाँ से को एजुकेशन थी नहीं, हमसे बिना पूछे ही को एजुकेशन भी कर ली, हमें अबाया भी बोल रहे निकालने के लिए, और इसी साल से। और जब हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जब हमने एडमिशन करवाया था तब इन्होंने कोई भी बात नहीं छेड़ी अबाया के रिलेटेड। मिड सेशन में कह रही है कि अबाया छोड़ दो, और कल जब मेरी मामा आई थी उसको उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी अबाया नहीं छोड़ सकती है, तो उसको बोला था ले लो डीसी। 10th का जब हमारा रिजल्ट निकला था, हम सब टॉपर्स यहाँ पे, जब हमारा 10th का रिजल्ट निकला था हमें नहीं छोड़ा। किस बेस पे? कि आप लोगों के परसेंटेजेस हाई होते हैं, हमारे स्कूल का नाम रोशन होता है, इसलिए हमें नहीं छोड़ा था। कल जब मेरी माँ आई थी अबाया के लिए तब बोला था ले लो डीसी आराम से। क्यों? यहाँ पर नाज़रीन आपसे भी कहना चाहेंगे और आपसे भी कहना चाहेंगे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो हम सब अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आप अभी प्रिंसिपल से अंदर मिले, आप सब ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो थे आप उनसे मिले, उन्होंने क्या एश्योरिटी दी आपको? हम जब गए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट शेयर की, पहले बोला कि जो भी बातें आप कह रहे हो हमने कल वैसा कुछ नहीं कहा। हम वहाँ पे 12 लड़कियां थी, हम सब ने कान कोर कर सुना, हम झूठ क्यों बोलेंगे? वहाँ पे टीचर्स भी उनका साथ दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम कल दिन भर रो रहे थे, मैंने घर पे रोया है। क्यों रोते हम? बिना वजह रोते हम कि हमें वहाँ ये स्टेटमेंट बदल रही है? हमने मैम को बोला जब आपको प्रॉब्लम हो रही है आप क्रीसेंट स्कूल देखो, आप आरपी स्कूल देखो, आप कश्मीर हार्बर देखो, वहाँ पे टीचर्स तक को अबाया, तो आप हमें अबाया क्यों नहीं दे सकती हो? आप एक काम करो, आप हर एक बच्चे के लिए अबाया निकालो, सेम कलर निकालो, हम सब वही कलर लगा के आएंगे, चाहे वो गंदा से गंदा कलर ही क्यों ना, वो भी पहन के आ सकते हैं, लेकिन हम अबाया के बगैर दिन भर नहीं रख सकते। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, अब हम सोचेंगे इस बात पे आपसे बात करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस हम अबाया नहीं निकाल सकते, कुछ भी हो जाए हम अबाया के बगैर स्कूल नहीं जा सकते हैं, हम अबाया के बगैर एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते, हम अबाया लेकर ही स्कूल में रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ गर्ल स्टूडेंट्स मौजूद थी जो कि विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर खड़ी है और इनका यही इल्जाम है कि इनकी प्रिंसिपल इनको अबाया पहन के स्कूल के अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही थी। यहाँ पर आप सब जानते हैं कि अभी ये थोड़ी देर पहले ही फिर से अपनी प्रिंसिपल से मिले हैं और इनका कहना है कि अब उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया। यही नहीं, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और उसके अलावा कश्मीर में एक वर्सटैलिटी
रही है, यहाँ पर तमाम रिलीजन्स को जो है एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, कहीं भी कोई रूल एंड रेगुलेशन ऐसा नहीं है, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें कहीं पे ये मेंशन किया गया हो कि किसी को हिजाब पहन के स्कूल आना है या किसी को हिजाब नहीं पहन के स्कूल आना है। यहाँ पर तमाम स्कूल जो है वो जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जिनको अबाया पहन के आना होता है वो जाते हैं, और जो नॉर्मली यूनिफॉर्म पहन के जाती है उनको भी परमिशन दिया जाता है। जो आज यहाँ पर सिचुएशन हुई है, शायद ही ये सिचुएशन कभी हुई होगी। यहाँ पर पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, सोन रिस्पॉन्स क्या हेकि, मतलब बच्ची आई रात घर वदान वदान वो मे पे बची, मे हा वो प्रिंसिपल मैडम कि अबया हिजाब या अबया सो अख लड़की लागान यमिस नबर कि क्या कांड आ कर तुम वो यह कूता शेमफुल एक्ट अमिस मैडम हूं अम कम अल्फाज से इस्तेमाल कर बची यह वदान ठीक अम बची वो दोपन अस वो प्रिंसिपल मैडम अगर तुम तो हिजाब या अबया लगित सकूल युन तुम नीव सा डी सी एम सकूल मं अमपुल यह सकूल तो कॉलेज इकवटे अत लिखित गर्ल्स हायर सेकेंडरी सकूल मगर अंदर से लड़क त पान तमपु तुम अचानक कुन वक्त मीडिया आ और कुन वक्त अचानक तुम वो अंदर से मतलब बच्चे गसान पर्ने खतर मगर अंदर से कुलन तल दरबार करान लड़क तो कोर तुम वो अत क्या माहौल यमो क्रिएट कोर्मुत खाली पोस बनाने खतर हिजाब सेंट्रिक टॉपिक क्या यह स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ अट हेको टारगेट कर तुम्हें बच तक अति पारा बेच वारिंद बच अवान बचन कर टारगेट कि वनकिन वनो तु युत यह वनान युद्ध इल्जाम कि हिजाब लगित या अबया लगित अंदर अचरस इजाजत दिवान कह तो तुम करवा प्रिंसिपल पान कह प्रिंसिपल कर सो वन दपान कि मतलब मे हा पे दबाव बहुत पर्सनली प्रिंसिपल मैडम सत मे कम सड़स घंटस कत तम दोपन असा वन हमें कि तुम दीव मतलब हिजाब कड़ि नबर अस पे इस हायर अथारटी क्लियरली वो तम दस मे हायर अथारटी अस पे दबाव कि मतलब इन वनु सा हिजाब थो पत्थर हिजाब विजाब लगित मा योर कहें अच्छान वो मतलब सकूलस मे यूनिफॉर्म यह रिकमेंड कर गवर्नमेंट या सकूल अथारटी मगर हिजाब रिकमेंड कर्मुत हिजाब कर्मुत रिकमेंड सान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब सानस रसूल खुदा सदिस हुकमस अगर कह खिलाफ गए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है हेको अत पे जू त पुन दिख शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स से भी बात की और पेरेंट्स से भी बात की और इनका कहना यही है कि इनको जो है प्रिंसिपल की जानिब से स्कूल के अंदर हिजाब पहन के अबया पहन के जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और पेरेंट्स ने इल्ज़ाम लगाया कि जो प्रिंसिपल है उसने कहा कि हायर अथॉरिटीज़ का दबाव है, अगर हायर अथॉरिटीज़ का दबाव है तो कोई नोटिस कोई नोटिफिकेशन कोई ऑर्डर इशू हुआ होता जिससे कि सबको पता चल गया होता कि कोई दबाव है या जिससे कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई होती कि अबया पहनना है स्कूल में कि नहीं पहनना। यहाँ पर विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मीमरोज मैडम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, आपसे जानना चाहेंगे बाहर स्टूडेंट्स इल्जाम लगा रहे हैं कि हिजाब पहन के यानी अबया पहन के अंदर स्कूल के अंदर आने की उनको इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। मैंने इनको कहा कि अबाया तो इनको अलाउ था, हमने जब कोविड के बाद क्लासेस स्कूल्स ओपन हो गए तो हमने सोचा ये सॉरी अबाया पहन के आते हैं तो कोई नहीं है, चलो इनको टाइम देते हैं इसमें एक लाइन पे आने के लिए, जबकि हमारी अपनी यूनिफॉर्म है वाइट कमीज सलवार विद हिजाब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी को कवर करता है। अगर आप कल सुबह मॉर्निंग असेंबली पे आएंगे तो आप देखेंगे हमारी एक भी बच्ची विदाउट हिजाब नहीं होती है, स्लीव्स फुल होती हैं यहाँ तक, सिर्फ उनका चेहरा और उनके हाथ दिखाई देते हैं। अच्छा अब हो क्या गया, मैंने इनको दिया था एलो, हमने किया था इन सबको कि आ जाओ आप अबाया पहन के, क्योंकि ये कुछ बच्चियाँ आती थी 5 या 6, अब मसला ये हो गया इस साल से कि मैं देख रही हूँ कि जो 6th क्लास का की जो बच्ची है वो भी अबाया पहन के आती है, 7th क्लास की भी आ रही हैं अबाया पहन के, 8th क्लास 9th क्लास इवन हमने 10th 11th 12th को अलाउ किया था कि आप आ जाएं अबाया पहन के,
फिर मैंने इनको कल बोला फॉर्म टीचर्स को कि इनको बोलो यहाँ निकाले ये अबाया, दिन भर विदाउट अबाया रहे, यानी यहाँ तक आ जाए, ये यहाँ स्कूल के अंदर ये ये आते हैं स्कूल के अंदर ये आ जाए अबाया पहन के। अच्छा, फिर ये बच्चियाँ मेरे पास आ गई, बोला मैम ऐसे हमारे टीचर्स बोल रहे हैं कि आपको यहाँ दिन में अबाया निकालना है। मैंने बोला हाँ बेटा ये सही बात है, आप अगर सुबह से आते हो अबाया पहन के यहाँ आप निकाला करो, दिन में मेरे सामने निकाला करो, मैं अपने दरवाजे के पीछे हैंगर या कील लगवाऊंगी जिस पे आप ये अबाया लटका के रखेंगे, फिर छुट्टी के टाइम आप वापस ये लगाएंगे तो आप ले जाएंगे। इन्होंने कहा मैम हम इसके बगैर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। फिर मैंने इसके लिए भी सोचा, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, पहले तो ये आपके भाई हैं, आप बचपन से एक साथ पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ इस स्कूल में हमने आउटसाइडर बॉयज में किसी को एडमिशन नहीं दिया, हमारे अपने बच्चे हैं जो कैचमेंट एरियाज है आपके। नहीं, हमने वो भी नहीं देखा, हमने अपने बच्चे जो नर्सरी से यहाँ हैं उन्हीं बॉयज को, उनमें से भी कुछ ही आए, उनको हमने एडमिशन दिया ऑन देयर रिक्वेस्ट। ये इन सब की रिक्वेस्ट थी कि 11th को बॉयज को एडमिशन देना है। वो आए कि हम 10th तक यहाँ इतने साल पढ़ रहे हैं, तो मैम अब फिर आप हमें 2 साल के लिए बाहर भेजते हैं। यानी आप कह रही है कि ये बच्चियाँ भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो सब बच्चे मेरे पास तमाम बच्चों की एप्लीकेशन, मेरे पास एप्लीकेशन आई, मेरे पास ही नहीं इन्होंने मैनेजमेंट को भी एप्लीकेशन भेजी, उन्होंने मुझे बोला कि आप देखो क्या अगर हो जाएगा तो दे दो, फिर अपने ही बच्चों को दे दो, बाकी बाहर से मत लाओ, ताकि हाँ 11th में अभी इसी साल ये हो गया। फिर मैंने इनको कहा ये तो आपके भाई हैं, इनके साथ आप बड़े हो गए हो, क्यों अनकंफर्टेबल हैं? बोला नहीं मैम हम, अब मैंने समझा कि ये बड़े हो गए हैं, शायद ये फील नहीं कर रहे हैं ठीक इनके साथ। मैंने कहा फिर अच्छी बात है, आप सुबह आ जाओ अबाया निकालो, लंबा सा यहाँ तक आप लाओ हिजाब। इनमें से एक बच्ची को वो हिजाब वाइट कलर का लगा के था, मैंने उनको बोला कि ऐसा हिजाब आप लाओ फिर यहाँ लगाओ, दिन भर उसमें घूमो ताकि एक यूनिफॉर्म हो जाए वाइट कलर का। इन्होंने मैडम इल्जाम लगाया कि इनसे कहा गया है कि अगर आप अबाया पहन के यहाँ आएंगे तो आप यहाँ से डीसी ले लीजिए, आप यहाँ से नहीं। ऐसा किसी ने, मैं कैसे बोलूंगी अपने बच्चों को कि यहाँ से रोल जाएं, बच्चे यहाँ से जाएं, स्कूल तो बच्चों से है। अच्छा, ये भी इल्जाम है कि अबाया जो पहनते हैं मुझे बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मे भी शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो वो गलत लड़कियाँ होती है जो अबाया पहन। मैंने ये नहीं बोला, इन्होंने बोला मैम ये, मतलब इन्होंने भी अपने आप को सपोर्ट किया, स्ट्रांग बनाया कि नहीं हम अबाया पहनेंगे, ये क्यों नहीं पहनेंगे, हम नहीं करेंगे। मैंने बोला आपकी दूसरी बहनें हैं जो विदाउट अबाया आ रही हैं, तो इसका मतलब है वो गलत कर रही हैं, और ये जरूरी नहीं है जो अबाया पहने फिर वो सही हो, 100 वो फिर सही हो, ये मैंने बोला इनको। तो इसके लिए जरूरी नहीं है, अगर शराफत दिखानी है तो वो ऐसे भी दिखा सकते हैं अबाया पहन के भी, जरूरी नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स का इल्जाम है कि आपने कहा है कि मैं इसीलिए इनको कह रही हूँ कि आप अबाया निकालिए क्योंकि हायर अथॉरिटीज की तरफ से आप पे दबाव। नहीं 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 नहीं, हायर अथॉरिटीज की तरफ से नहीं है, हायर अथॉरिटी की तरफ से ये नहीं है। हाँ, एक चीज है कि यूनिफॉर्म तो ये हर एक स्कूल का एक होता है, एक प्लस मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट यूनिफॉर्म, फिर क्या स्कूल का ये है, मकसद क्या है स्कूल का फिर। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या कुछ अश्योरिटी देना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ से जो स्टूडेंट्स है वो कह रहे हैं बिना अबाया के वो आएंगे नहीं, तो आप कह रहे हैं कि मतलब अबाया लेके वो आए यहाँ वो निकाल सकते हैं और क्लास में वो यूनिफॉर्म में रह सकते हैं, तो अब आप क्या कुछ अश्योरिटी देना चाहेंगे ताकि ये कॉन्ट्रोवर्सी ना बने। एक चीज है, मैंने इनको कहा था वो वाइट हिजाब पहन के आ जाओ दिन भर, अब अगर ये वो भी नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। यानी आपका कहना है कि स्कूल में यूनिफॉर्म एक जो है, फिर मत यूनिफॉर्म रहेगी, फिर यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ सुबह असेंबली होती है, कुछ बच्चे होते हैं हिजाब पहन के, कुछ होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट अबाया पहन के, कुछ होते हैं डिजाइन वाले अबाया पहन के, एक चीज यूनिफॉर्म होता है ना, ये तो खत्म हो जाएगा स्कूल का मकसद। आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, आपने भी यूनिफॉर्म पहनी होगी, आपने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो किए होंगे, तो ये सब चीजें तो देखनी होती है ना स्कूल में। आप क्या कहेंगे, क्या इनको ये फॉलो करना है कि इनको अबाया पहन के अगर यहाँ तक आ रहे हैं तो इनको जो अबाया निकालने फिर यूनिफॉर्म में दिन भर स्कूल में रहना है? अब एक और चीज मैंने सोची है, अब अगर ये अबाया पहनना चाहते हैं तो हम उसमें एक कलर देंगे, एक पैटर्न देंगे, अगर उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया तो फिर आप क्या कह सकते हैं इसमें। जी जी, थैंक यू सो मच। तो ये थी विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद, जिन्होंने कहा कि मकसद यही था कि
ड्रेस यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए क्योंकि स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, और इनका कहना है कि क्योंकि लड़कियां डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट कलर के अबाया पहन के यहां पर आया करती थी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप अबाया पहन के अगर आती हैं तो स्कूल के अंदर आप अबाया उतार दीजिए, अपनी यूनिफॉर्म में क्लासेज अटेंड करें। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर बच्चे अग्री नहीं होते हैं यूनिफॉर्म पहन के, वो अबाया पहन के यहाँ आते हैं और क्लास में भी अबाया पहनना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ एक ड्रेस कोड सिलेक्ट करेंगे, यानी एक ही सेम पैटर्न का सेम कलर का अबाया सिलेक्ट करेंगे और वही फिर बच्चों की यूनिफॉर्म भी रहेगी। ये हमने आप तक दोनों पहलू पहुंचाए, एक तरफ से जहां हिजाब कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई जो कि बाहर इल्ज़ाम बच्चों ने लगाया कि प्रिंसिपल जो कह रही है वो कह रही है कि अंदर आप यूनिफॉर्म जो कि यूनिफॉर्म पहन के आप अंदर आइए, आप अबाया पहन के अंदर नहीं आ सकते, वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल ने क्या कहा वो भी आपने देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग मिसलीड ना हो। एच न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जा रहा।